नागपुर में पुलिस द्वारा प्रतिबंधित नायलॉन मांझे पर रोजाना कार्रवाई की जा रही है। वहीं साल के अंतिम दिन सक्करदरा, अजनी, पांचपावली और हुडकेश्वर पुलिस द्वारा नागपुर शहर में बड़े पैमाने पर नायलॉन मांझा पकड़ा गया, जिसमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लाखों का मांझा जब्त किया गया। नागपुर शहर में मकर संक्रांत आते ही बच्चों के साथ बड़े लोग भी पतंग उड़ाने लगते हैं, जिसमें नायलॉन मांझे का बड़े पैमाने में इस्तेमाल किया जाता है, जो काफी जानलेवा और हानिकारक है। इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन फिर भी लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर इसका उपयोग किया जाता है। पुलिस द्वारा भी रोजाना बड़े पैमाने पर नायलॉन मांझा पकड़ा जा रहा है। वहीं शुक्रवार को सक्करदरा, अजनी, पांचपावली और हुडकेश्वर पुलिस द्वारा नागपुर शहर में बड़े पैमाने पर नायलॉन मांझा पकड़ा और 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़े पैमाने पर नायलॉन मांझा जब्त किया, जिसमें पांचपावली पुलिस ने 24 बंडल, अजनी पुलिस ने 22, हुडकेश्वर पुलिस 11 और सक्करदरा पुलिस ने 24 बंडल जब्त किए। जब्त किए गए नायलॉन मांझे की कीमत 1,52,000 बताई गई। नायलॉन मांझ्याची विक्री करणारे, जवळ बळवणारे किंवा त्याचा वापर करणारे यांच्यावर कारवाई करण्याचे निर्देश माननीय पोलीस आयुक्त श्री अमितेश कुमार सर तसेच DCV डिटेक्शन सर यांनी दिलेले आहेत। त्या पार्श्वभूमीवर गुन्हे शाखेकडून मोठ्या प्रमाणावर कारवाई करण्यात येत आहे। काल गुन्हे शाखा युनिट 3 यांनी एकाच दिवशी 7 पोलीस स्टेशन अंतर्गत कारवाई केलेली आहे। त्याच्यामध्ये पोलीस स्टेशन पाचपावली, हुडकेश्वर, सक्करदरा, अजनी, गिट्टीगदान, वाडी आणि पोलीस स्टेशन MIDC या पोलीस स्टेशनचा समावेश आहे। या 7 पोलीस स्टेशनमध्ये 7 गुन्हे दाखल करण्यात आलेले असून आरोपींना अटक केलेली आहे। या कारवाईमध्ये सुमारे 2 लाखाचा मुद्देमाल जप्त केलेला आहे।